नमस्कार, प्रणाम। आज मैं पूर्व नागपुर श्याम नगर नवी नगर क्षेत्र में आया हूँ। मेरा आने का मकसद 22 तारीख अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे वेद पाठी संगठन का क्षमता के अनुरूप और क्षमता से ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं धर्ममय वातावरण बनाने के लिए। आगे मैं इनसे चर्चा करता हूं, आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुन्ना भैया ब्लॉग। मिलता हूं कुछ ही क्षणों में, तब तक के लिए प्रणाम। सौभाग्य मेरा कि आज मैं पूर्व नागपुर में आया हूं और वेद पाठी संस्था के संचालक अध्यक्ष जो अपना परिचय देंगे पूरा, उनसे बातचीत करता हूं। पांडे जी, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चंद्र प्रसाद पांडे, सीपी पांडे छोटा सा नाम है, और हम बहुत दिन से अपने समाज के प्रति कुछ करने का विचार रखता था। बहुत दिन समाज सेवा में लगा था, समाज हर समाज के कार्यक्रम में उपस्थित रहता था। इस तरह से संगठन बनाया, जो हमारी संगठन संस्था है वेद पाठी धर्म कर्म सेवा संस्था, 25 जनवरी 23 को संस्था रजिस्टर्ड हुई, सरकार से मान्यता प्राप्ति मिली हमको, और संस्था में हमने कार्य करना चालू किया। कुटुंब ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना चालू किया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, फेसबुक का भी ग्रुप बना करके आज के दिन हमारे पास में 16-17 हज़ार ब्राह्मण भाई बहन हमसे संपर्क में है। हमारी संस्था पूरे भारत देश में कार्य करती है, पूरे भारत देश से बंधु भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी चले, कन्याकुमारी चले जाओ, ऋषिकेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह हमारे संस्था से लोग जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था में प्रतिदिन एक लाइव मीटिंग चर्चा होती है कुटुंब के माध्यम से, जो लोग जुड़ते हैं, और संस्था में हमारी वेद चर्चा पुराणों की चर्चा होती है। हम लोगों ने सोचा कि हमको नित्य कोई राजनीतिक क्षेत्र से कोई चर्चा ना करके हमारे धर्म कर्म में 18 पुराण 4 वेद हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि संस्था मर्यादा संस्कार धर्म कर्म समाज की सेवा करते हुए लोगों को भाई बहनों को संगठित करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरा भाई सहारा बनेगा। इस तरह संस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है, संस्था अच्छी उन्नति कर रही है, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी मिलकर करके अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे 22 जनवरी भगवान प्रभु जो 5 साल से अनंत भटक गए थे, कुछ लोगों ने उनको आने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी कृपा से आज भगवान का जो पादार्पण अयोध्या में हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, उस उपलक्ष्य में हमारे वेद पाठी धर्म कर्म सेवा संस्था बड़ा उत्साहित है, और वो कार्य करने का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं 21 जनवरी को। यहाँ से हमारे स्थान से एक छोटी शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा, और हरिहर मंदिर में जा करके वहाँ सभी देवी देवताओं का पूजन पाठ होकर के सुंदर संगीतमय अखंड रामायण का हमने प्रोग्राम रखा है। 10 बजे से अपना अखंड रामायण चालू हो जाएगी,
जो 11 बजे तक चलेगी। 11 राम जय परशुराम जी। जैसा कि मैं आगे गौतम से जैसा बोल रहा था कि वेद पाटी धर्म कर्म सेवा संस्था नागपुर, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 25 जनवरी 2023 में पिछले जनवरी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। वेद पाटी धर्म कर्म सेवा संस्था से 17,000 भाई बहन संपर्क में हैं। पिछले 4-5 वर्षों से हम कुटुंब के माध्यम से लाइव चर्चा प्रतिदिन रात 8 बजे होती है। वेद पाठी धर्म कर्म सेवा संस्था वेद पुराणों धर्म कर्म सेवा संस्कार मर्यादा के तहत विचार रखती है। वेद पाठी धर्म कर्म सेवा संस्था हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा देती है। वेद पाठी धर्म कर्म सेवा संस्था सभी सनातनियों का सम्मान करती है। जय श्री राम, जय परशुराम जी। 22 तारीख को सुंदर माहौल देखते हुए हमारे युवा वर्ग भी आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भैया अपना परिचय दें। जय श्री राम, जय परशुराम। मेरा परिचय सक्षम रमेश तिवारी। सक्षम रमेश तिवारी, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आपका प्रश्न था कि युवा वर्ग किस तरीके से उत्साहित है प्रभु राम के लिए, जो हमारे दादा परदादा थे जो कार सेवक वहां बन के गए थे, जिनको वहां पे गोलियां उन पे बरसाई गई, उनका उस तरीके का स्वभाव देख करके जिस तरीके से श्री राम जी के लिए वो शहीद हो चुके, हम उनकी पीढ़ियां उनके लिए इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने गोलियां खाई है। उन्होंने जो अपना वहां पे योगदान दिया है, हमारे जैसे कुठारी बंधु, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष बाद हमारे रामलला अयोध्या में पुनर्विराजमान हो रहे हैं। उत्साहित बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है। इस बार पूरा राममय वातावरण बनने जा रहा है और आगे मैं आदरणीय पंडित जी से अपना परिचय चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश प्रसाद तिवारी है। मैं इस संस्था के माध्यम से जुड़ा हूँ। हमारे चंडिका भैया जी हैं और संस्था में बहुत उत्साहित से काम करते हैं, लोगों को जोड़ना, लोगों को बताना। स्नेह प्यार मिलता है उनका, स्नेह प्यार मिलता है। और जो ये राम श्री प्रभु श्री राम जी के कार्य को जो उत्साहित करने के लिए जो भगवान जी को वहाँ पे विराजमान कर रहे हैं, उनके उत्साह में भैया जी ने हरिहर मंदिर में कार्यक्रम रखे। 22 तारीख को 10 बजे वहाँ पे रामचरित अखंड रामायण का पाठ चालू होगा और दूसरे दिन 11 बजे समाप्ति है और महाप्रसाद, और टोटल ब्राह्मण बंधु वहाँ पे निमंत्रित हैं। पूरा हिंदू समाज भैया के माध्यम से जुड़ा हुआ है और सबको वहाँ पे निमंत्रण है। जय श्री राम, जय परशुराम। बहुत अच्छा लगा, अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम जी। अपना यूट्यूब चैनल वेद पाटी धर्म कर्म सेवा संस्था का जो है हमारे मुन्ना भैया ब्लॉग अपने वेद पाटी धर्म कर्म संस्था से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ जो हमारे दर्शक लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इस तरह से अपना जो संस्था का नाम ऊपर ऊँचे उठे। जितने भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं उनसे सबसे निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारी संस्था का नाम रोशन, संस्था का सर ऊँचा और होगा। इससे अपने लोगों को जो समाज के हमारे प्रति जो उत्तरदायित्व हमारे मुन्ना भैया हैं उनका हम लोगों से इतना जुड़ाव है, उनका इतना प्रेम है।